हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, आज के वीडियो का, वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा। और इसमें हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे श्रिम्प्स के ऊपर। तो श्रिम्प्स क्यों रखने चाहिए एक्वेरियम में, उनके क्या फ़ायदे हैं, श्रिम्प्स की केयर कैसे करनी चाहिए, क्या फिशेस के साथ श्रिम्प्स को रख सकते हैं, या कौन सी फिशेस श्रिम्प के साथ रखी जा सकती हैं या नहीं रखी जा सकती हैं, उन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में और भी बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। और कुछ अपने कमेंट्स हैं जो आप खुद शेयर करना चाहते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली श्रिम्प होता क्या है? श्रिम्प, जिसको हम हिंदी में झींगा मछली भी कहते हैं, ये बहुत ही यूजफुल पार्ट है इस पूरे इकोसिस्टम का, जिसको हम अपने यहाँ तो एक्वेरियम कहते हैं, बट नेचर में जो ये पूरा इकोसिस्टम है, इसका बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। और ये एक स्कैवेंजर की तरह होता है। स्कैवेंजर जैसे कि जो भी, जैसे पिग्स होते हैं या वल्चर्स होते हैं, जो भी जितना भी नेचर में वेस्ट होता है, उस वेस्ट को क्विकली साफ करने के लिए नेचर ने एक ऐसी चीज़ बनाई हुई है। सिमिलरली एक्वेरियम में या फ्रेश वाटर में श्रिम्प्स होते हैं। तो बहुत, मैं आपको देसी तरीके से बताऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं किसी भी तरीके का, कुछ हाई फाइज में पीएच और वो जो लोग बहुत सारा बताते हैं, उनकी केयर शीट होती है पूरे श्रिम्प्स की, और लोग बोलते हैं आपको महंगे सबस्ट्रेट यूज़ करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने टेस्टेड और ट्राइड मेथड है, मैं वही बताऊंगा आपको, और सस्ते सस्ता जुगाड़ वाला, जो कि अच्छा भी है आपके एक्वेरियम के लिए। तो जो ये मेरा कंपोस्ट वाला टैंक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा कंपोस्ट वाला टैंक का वीडियो, वो ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं, लिंक आ गया होगा। तो मैंने इसी कंपोस्ट वाले टैंक में ही श्रिम्प्स को पाला। मैंने कोई फ्लूवल स्ट्रैटम या और भी तरह के जो सब्सट्रेट आते हैं सिर्फ श्रिम्प्स के लिए, मैंने कुछ भी नहीं लगाए हैं। और आप यकीन नहीं मानिएगा, मैंने सिर्फ 5 श्रिम्प्स इसमें डाले थे, और आज की डेट में वो 40 से 50 के बीच में उनकी पॉपुलेशन है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉलोनी का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपका बहुत बड़ा एक्वेरियम है तो आप मिनिमम 10 श्रिम्प से स्टार्ट करिए। 5 से भी कर सकते हैं, बट 5 में थोड़ा टाइम और लगेगा सेटल डाउन होने में उनको। 10 श्रिम्प से स्टार्ट करिए, सेम वाटर पैरामीटर्स रहेंगे। अगर आपके टैंक की पीएच थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 6 से 7 के बीच में, या 6.3 से 7.5 के बीच में है, वो इन लोगों के लिए बेस्ट होती है, बट उससे कम भी होती है तो चलता है। और जो श्रिम्प्स मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जो आप पालें और अपने टैंक में रखें, वो 2 हैं जो बेस्ट हैं, टॉप ऑफ द ब्रीड। एक तो आता है आपका नंबर 1 पे अमानो श्रिम्प, और दूसरा आता है रेडचेरी। ये दोनों ब्रीड एलर्जी भी अच्छे से करते हैं, और इनकी जो क्लीनिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, अमानो श्रिम्प्स की और रेडचेरी श्रिम्प की। तो आप 10 से कॉलोनी स्टार्ट करें। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप श्रिम्प को ऐड करेंगे एक्वेरियम में, उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप शॉप से लेकर के आए, या आपने किसी फ्रेंड से लिया, किसी और एक्वेरियम से निकाल के लाए, तो आपको जैसे आप फिशेस को ऐड करते हैं उस तरीके से नहीं करना है एक्लिमेट। इसका एक्लिमेशन का थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, इसको ड्रिप एक्लिमेशन कहते हैं। मतलब आपको करना क्या है, आपको ट्यूब, जो ये हमारा ये वाला जो ट्यूब लगा हुआ है यहाँ पे, जो हम सिलिकॉन ट्यूबिंग यूज़ करते हैं, उसी सिलिकॉन ट्यूबिंग को थोड़ा सा मोड़ के रबर बैंड या किसी चीज़ से बांध दीजिए, और ताकि अपने एक्वेरियम का पानी बूंद बूंद टपकता रहे। उस तरीके से क्या होगा कि वो एकदम से एनवायरनमेंट उनका चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर और बाकी जो सारे सैलिनिटी हैं वाटर की, वो धीरे 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 एक्लिमेट हो जाएंगे। और आपको करीब 1 घंटे तक यही प्रोसेस करना है। जिनको डिटेल में इसके बारे में समझना है ट्रिक एक्लिमेशन क्या होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप डाल दूंगा, आप जाकर रेफर कर सकते हैं। बट वो इजी प्रोसेस है, वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो श्रिम्प्स आप डायरेक्टली ऐड ना करें, या जैसे फिश को हम ऐड करते हैं, फिश को पैकेट को सीधे इसमें डाल देते हैं और टेम्परेचर बराबर हो जाता है, तो 2-3 बार पानी डाल करके और उसको फिर डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरी चीज़, ये तो हो गई श्रिम्प को ऐड करने की चीज़। जब आप श्रिम्प को ऐड कर चुके हों अपने एक्वेरियम में,
उसके बाद आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए, एक्वेरियम की लाइट ऑफ कर दीजिए ताकि 4-5 घंटे तक वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद आप जब आपने ऐड कर दिया है तो वो धीरे धीरे जैसे कंफर्टेबल होंगे एनवायरनमेंट के साथ, इमीडिएटली वो जितना भी आपका वेस्ट है, जितने ज़्यादा आपके प्लांट्स होंगे और फिशेज होंगे उतना ज़्यादा आपके एक्वेरियम में बायो लोड होगा, वेस्ट होगा, तो वो इमीडिएटली उसको क्लीन अप करना शुरू कर देंगे। आप ऊपर देख सकते हैं जो मैंने छोटे छोटे क्लिपिंग डाल रखे हैं ऊपर की तरफ कॉर्नर में, उसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसे क्लीन करते रहते हैं। और वो खाली नहीं बैठते श्रिम्प्स, आप देखेंगे जब आप पालेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि वो कंटिन्यूसली 24/7 कुछ ना कुछ वो सफाई करते रहते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपकी एल्जी वो खा जाएंगे पूरी, एल्जी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपका फिश का जो खाना बच जाता है, जो फूड वेस्ट है, वो सारा वो तोड़ तोड़ के उसको इतना छोटा छोटा कर देते हैं कि बैक्टीरिया अपने आप उसको कंपनसेट कर देता है और आपका पूरा एनवायरनमेंट एकदम क्लीन रहता है। दूसरी चीज, उनके श्रिम्प्स के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए आपको जो प्लांट्स जरूरी हैं वो जो टॉप पे आता है वो है जावा मॉस। जावा मॉस अगर आपको मिल जाता है या किसी भी तरीके का मॉस, नॉट कि सिर्फ जावा मॉस ही चाहिए, आप कोई भी जावा मॉस की जगह ताइवान मॉस और बहुत सारे मॉस आते हैं, देसी भी मॉस आते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि उनको एक कुशन जैसा, उनको घर जैसा रखता है। कुछ जगह आपको एक्वेरियम ऐसी बनानी पड़ेंगी जैसे थोड़ा उनके छुपने के लिए या थोड़ा उनको शेड के लिए उनको जगह मिल जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, बहुत दिन तक काम करते रहते हैं, बहुत देर तक काम करते रहते हैं फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इनको कहीं छुपने के लिए, रेस्ट करने के लिए भी जगह चाहिए होती है। मैंने अपने छोटे वाले एक्वेरियम में जो किया था वो शुरू में क्या किया था कि जो दिवाली वाले दिए होते हैं उनको क्या किया, थोड़ा टाइम तक भिगा दिया साफ करके और उनको पलट के तिरछा इस तरह से करके रख दिया, तो मैंने देखा कुछ टाइम के बाद कि श्रिम्प्स उसमें जाके रेस्ट कर रहे थे। और इस तरह का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लेको की केव्स आती हैं, प्लेको जो फिश होती है उसकी केव्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आइडिया सिर्फ ये है कि उनको छुपाने के लिए, छुपने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए रेस्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया उनके एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल कैसे करना है। अगर आपको जावा मॉस नहीं मिल पा रही है तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हैं उतने ज़्यादा प्लांट लगाइए, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और उतनी जल्दी ब्रीड करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि उनको कैसे ऐड करना है, उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्या है। अब आते हैं उनके फूड पे, वो उनको फूड कौन सा देना है। मैंने इस एक्वेरियम में कोई भी स्पेशल फूड नहीं दिया, श्रिम्प के बहुत सारे फूड्स आते हैं मार्केट में और तरह तरह के आते हैं, बहुत महंगे महंगे फूड्स भी आते हैं, आप खिलाना चाहें आप खिला सकते हैं, बट अगेन मतलब मेरा यही रहता है कि जो भी नेचुरली हेल्दी भी हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। तो फूड में आप नॉर्मल फिश फूड ही डालिए, कोई ऐसा स्पेशल फूड डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मिल जाता आप डाल भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरा, आप वेजिटेबल्स इनको खिला सकते हैं, फिशेस को भी खिला सकते हैं, बट श्रिम्प्स डेफिनेटली वेजिटेबल खाएंगे, जैसे कि खीरा है या आपका जो पत्ता गोभी के लीव्स होते हैं, पालक है, ये सबको क्या करना है आपको 5 मिनट के लिए उबालना है, 5 मिनट भी नहीं बल्कि 5 मिनट में तो बिल्कुल पिघल जाएगा, 2 या 3 मिनट थोड़ा सा बॉईल कर देना ताकि उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाएं और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और आपको एक्वेरियम में अपने रख देना है किसी प्लास्टिक के डब्बे में या कोई कंटेनर जैसा रख दिए ताकि वो इधर उधर फैले ना, हालांकि ऐसे भी डाल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब वो खा चुके हों उसको तो आप उसको जो वेस्ट जो बची हुई वेजिटेबल है उसको निकाल दीजिए, उसको पड़ा ना रहने दें। तो ये हो गया खाने का, हो गया कैसे ऐड करना है उनको, उनके एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल कैसे बनाना है, ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स पे, जैसे कि पीएच की बात है। पीएच कहते हैं लोग कि थोड़ा 6 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 और 7.8 के बीच में होना चाहिए, इसकी तो मेरे ख्याल से 6 के आसपास ही है इस एक्वेरियम के पीएच, मैंने बहुत टाइम पहले नापी थी, मैंने नॉर्मली मैं नापता भी नहीं हूँ, इसमें भी हेल्दी हैं, ब्रीड कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता और क्या चाहिए होता है, श्रिम्प्स हेल्दी रहें, वो अपना काम करते रहें, ब्रीड करते रहें और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, ये ऐसा मानना है कि अगर थोड़ी सी एसिडिक है आपके टैंक की पीएच तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड करते हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा निखर के आता है, पता नहीं मेरे टैंक में तो मुझे ठीक ही लग रहा है इनका कलर, कोई बहुत ख़राब नहीं लग रहा है, अच्छा ऑरेंज ब्राइट कलर आ रहा है इनका, तो पीएच कहते हैं ऐसा कि थोड़ी ज़्यादा हो तो अच्छा होता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगर श्रिम्स पालने हैं तो आप गूगल पे एक बार देख लीजिएगा कि श्रिम्स की जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स आती हैं, जैसे मैंने अपने छोटे वाले टैंक में ब्लू ड्रीम श्रिम्प भी डाला है, वो बहुत सुंदर लगता है। एक येलो कलर का श्रिम्प आता है, उसको येलो डायमंड श्रिम्प भी कहते हैं। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी श्रिम्प जो आपको पसंद हो, जो इजीली आपको वहाँ पे अवेलेबल हो, आपके बजट में आप वो वाला ले लीजिए। और मोस्टली सबका काम एक जैसा ही होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं वो आपके टैंक के लिए। मेरे हिसाब से अमानो श्रिम्प और रेडचेरी श्रिम्प बहुत अच्छा होता है। मैंने वैसे ब्लू ड्रीम भी रखा हुआ है, बट अमानो और रेडचेरी टॉप ऑफ द लिस्ट पे हैं मेरे। तो इनको आप रखिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके टैंक के लिए। जो ये एलजी की प्रॉब्लम है या फूड वेस्ट है, बार बार आपको जो ये ग्रेवल की वैक्यूमिंग करनी पड़ती है, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत ही क्लीन रखेंगे ये आपके एक्वेरियम को, और वैसे भी अच्छे लगते हैं ये श्रिम्प्स। तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो श्रिम्प्स हैं उनको किसी भी प्रेडेटर फिश के साथ मत रखिए, स्पेशली जैसे कि बेटा फिश होती है। अगर आपके पास भी अगर 50, 60 या 100 तक की पॉपुलेशन है श्रिम्प की, तब तो फिर एक बेटा काफ़ी है, आप रख सकते हैं। बट यूजुअली उसको साथ में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा फिश के लिए ये फूड की तरह काम करेंगे और वो मैक्सिमम श्रिम्प्स को या तो मार देगी या फिर खा लेगी। तो अच्छा यही है कि आप टेट्रास के साथ, नियॉन टेट्रा है, मॉली है, शॉर्ट टेल है, प्लेटीज हैं, इन सारी फिशेस के साथ रखिए, तो जो कि बहुत अग्रेसिव नहीं होती हैं, तो आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा, पॉपुलेशन उनकी अच्छी रहेगी, आपका टैंक क्लीन रहेगा और फिशेस भी हैप्पी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज का वीडियो जो श्रिम्प्स के बारे में था। आपके जो भी डाउट्स हैं या आपको कोई और जानकारी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिन लोगों ने नहीं कर रखा है, और प्लीज़ बताइए मुझे कि कैसा लगा। थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है तो अच्छा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एंड बाय बाय।